हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित वाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स है, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, उसके लिए हम 50 दिन 50 मैराथन वाला सेशन लेकर आए हैं। तो इस बुक का सेशन हमारा चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपके सामने ये 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इसमें ये 3 पॉइंट मेन है। इन्हीं 3 पॉइंट के माध्यम से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका आसान और इजी बनाया जाएगा। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका पूरा प्रॉफिट लॉस फिनिश हो जाएगा। सिंपल सी बात लिखी हुई है मैंने। तो चलिए पहले इन पॉइंटों के बारे में जान लीजिए, फिर इसको सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में आता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जैसे के फॉर क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, वी फॉर विक्रय मूल्य इसको हम सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, और वी फॉर विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य होता है वस्तु का बेचना, और क्रय मूल्य होता है वस्तु का खरीदना। जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाएगी वो क्रय मूल्य, जिस रेट पर वस्तु बेची जाएगी वो विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में सिंपल से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे है कोई वस्तु खरीद ली फिर बेच दी, तो यहाँ से लाभ हानि पूछा जाएगा इस पॉइंट पर आधारित। पहले वह वस्तु की क्रय मूल्य वाली कीमत देगा, फिर उसके विक्रय मूल्य वाली कीमत देगा, तो वहाँ से लाभ या हानि परसेंट पूछेगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य करेगा, यानी कि वस्तु को बेचेगा, तो बेचने पर वह लाभ या हानि परसेंट बताएगा, तो उस विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय परसेंट करना है। लाभ है तो 100 में जोड़कर लिखना है इधर, और हानि है तो 100 में घटाकर लिखना है। तो हम इसको विक्रय बराबर विक्रय मूल्य कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य आ जाए, वस्तु को खरीदा है, उसके बाद वह बेचेगा या तो लाभ पर या हानि परसेंट पर, तो क्रय की गई वस्तु को लाभ या हानि पर जो बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य आता है। तो बस ये 3 पॉइंट है, इनके माध्यम से आप हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। और ये 2 पॉइंट जो है हमारे इसी कॉन्सेप्ट में एडजस्ट है जो मैंने आपको बताया है। ये वाले 2 पॉइंट, ये 2 कॉन्सेप्ट है आपके लाइफ टाइम हर मैथ के अंदर लगेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर लगेंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है, लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम, आने वाले 150 साल आगे तक भी मैथ रहेगा तब भी ये लगेंगे, और पीछे 150 साल जितने भी बीत गए उनसे पहले भी ये यही लगेगा उनमें, जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला, एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है, ये डॉलर का चिन्ह है, $30 में खरीदी गई, $40 में बेच दी। देखो ये वाला पॉइंट आ गया, खरीद दिया बेच लिया, खरीद लिया बेच लिया। खरीदा कितने का? $30 का। बेचा कितने का? $40 का। बेचा है उसको $40 का। तो यहाँ पर लाभ परसेंट ज्ञात करना। अब मुझे मालूम है कि जब खरीदी गई वस्तु की कीमत से विक्रय मूल्य बढ़ा आ जाए तो लाभ होता है। देखो 10 से 10 काटा मैंने, छोटा इसलिए किया है कि कैलकुलेशन करने में आसान हो। अब देखिए, 3 की चीज़ खरीद कर 4 में बेचेगा तो 3/1 का लाभ। अब 1/3 आप जानते हो 33 से ही 1/3% होता है लाभ, या 33.33% होगा आपका लाभ। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, लाभ होगा 33.33%। देखिए बहुत आसान सिंपल तरीके से आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये राज सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन 2 कैसे होता है। देखिए बहुत आसान है, मैथ को पढ़ना बहुत इजी है अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तभी मैथ इजी है, वरना मैथ इजी नहीं है। एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है। देखिए विक्रय मूल्य दिया है ₹1,050, लिख लीजिए विक्रय मूल्य दिया है ₹1,050, इधर लिख लीजिए विक्रय मूल्य ₹1,050, और क्रय मूल्य दिया है उसने ₹900। तो ये वाला पॉइंट ये आ गया, ये खरीदा 900 में बेच दिया ₹1,050 में, क्लियर है। अब आप देख लीजिए, सिंपल सा तरीका है, देखो 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए इसको आसान। मैंने इसको 100 बनाया, कब? 9 से काटने के बाद, 9 ही कम 9 100 बन गया। अब 9 से ही ये काटा जाएगा, 9 ही कम 9
एक हो गए 15, 9 कम 9, देखो 9 कम 9 एक हो गए 15, 9 कम 9 6 हो गए 60, 6 बचे गए ना हो गए 60, 9 6 54 दशमलव, 6 बज गए फिर 9 6 54, 9 6 54 ऐसे चलेगा ये। तो बस ये देखिए आप 100 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये 100 से कितना ज़्यादा है, इस 100 से ये कितना ज़्यादा, 16.66, तो इसका मतलब उसे लाभ हुआ 16.66% का। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ परसेंट होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये होगा लाभ परसेंट, 16.66% का उसे लाभ होगा। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट लगता है इन तीनों में से। देखो तीनों में यही है हमारा, विक्रय बराबर विक्रय परसेंट है ये रहा, और क्रय पर ही यानी कि संख्या पर ही मल्टीपल रूम में लाभ या हानि परसेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट, यही इन्हीं दोनों से क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। देखो एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, कितने में बेचा, 3500 रुपये में उसने बेचा, और फूलदान का क्रय मूल्य था 2800 रुपया। देखिए खरीदा था 2800, छोटा सा करेंगे सिंपल से तरीके से, 2 0 से 2 0, 7 4 28, 7 5 35, 4 की चीज़ खरीद कर 5 में बेचा, ये वाला पॉइंट लग रहा है। तो 4 पर 1 का लाभ होगा, 4 पर 1 का लाभ होता है 25%, तो उसको 25% का लाभ होगा इस दौरान। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे बहुत सिंपल आसान तरीके से। जैसे कि मैंने बताया है कि इन क्वेश्चनों में केवल यही पॉइंट लगते हैं, यानी कि इन्हीं की बात नहीं, जो पूरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है उन सभी में। एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है, 5500 रुपये में बेची जाती है, सिंपल सी बात है। देखिए 6000 में खरीदी, 5500 में बेची, उसको हानि हो गई 500 रुपये की। खरीदी 6000 में, बेची 5500 में, 500 रुपये की हानि। तो 6000 पर आप ऐसे निकाल सकते हैं 500 रुपये की हानि, 100% का चिन्ह आप ऐसे निकाल सकते हैं। या पहले इसको कर लीजिए हल, देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 3 6, 2 से 25 बार, तो 25 को 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 8 आ गया, 3 8 24, 3 3 9, 8.33 चलेगा। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट, 8.33%। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, खरीदी उसने 600 की और 6000 की, और बेचा है उसने 5500 रुपये पे, क्लियर है। अब देखो 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, 0 से 0 काटा मैंने, 6 से इसको काटा 100 बार, 6 कम 6, फिर 6 से इसे काटेंगे, 6 48, 7 हो गए 70, 6 48 48 और 6 48, ये बचेंगे इसमें 5 और 2 7 बच गए, हो गए 70 हो गए यहाँ पर, और 0 से 0 काटेंगे, 6 से 100, 6 9 54, 54 बार, 6 9 54, 9 बार कटेगा ये, क्लियर। 6 9 54, 1 बचा हो गए 10, 6 कम 6 4, 6 6 36, ऐसे 91.66 के लगभग। तो 100 के अकॉर्डिंग उसे कितनी हानि हुई, देखिए 91 में से 100 में से 91 घटाएंगे 9, और 9 में से ये घटाएंगे तो 8.33% की उसको हानि होगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से, दर्जन में होते हैं 12, यानी कि 300 रुपये प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 सेब 300 रुपये में खरीदे कितने में, 300 में। अब उसने वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है,
एक सेब 30 का तो 12 सेब 12 तीस 36 360 के बेचेगा वो, तो ये वाला आ गया क्रय और विक्रय, खरीद लिया बेच दिया, तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए 100 बना लीजिए, इसको 3 से काट कर 3 × 3 दो जीरो, 100 बन गया क्रय मूल्य, और 3 × 3 दूनी 6 120, 100 के अकॉर्डिंग 120 20% का लाभ होगा। देखिए 100 के अकॉर्डिंग 120 20% का लाभ होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखिए क्वेश्चन 6, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है, देखिए खरीदी गई 800 रुपये में और उसने बेचा उसको 1100 रुपये में, क्लियर। अब वही तरीका, लाभ यानी लाभ होगा क्योंकि क्रय से विक्रय मूल्य बड़ा है, 8 × 8 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए, 8 × 8 3 × 11 30 होगा, 8 × 3 = 24, 6 × 8 = 56, 8 × 5 = 40, 100 से कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 37.5, तो 37.5% का उसको लाभ होगा। लीजिए हो गया आसान बिल्कुल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, खरीदा उसने 800 में और बेचा उसने उसे 1100 में, 300 का लाभ हुआ, 2 × 0 = 2 काटा मैंने, 3/8, 3/8 37.5% होता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड तरीका है, लाभ परसेंट होगा 37.5%। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, अगर वह बेच रहा 2352 और उसे लाभ हुआ 752 का, तो हमें मालूम हो गया है कि ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए और लाभ घटा दिया जाए, देखिए विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाया जाए तो क्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब हमारा विक्रय मूल्य है ये 2352 और इसमें से लाभ घटा दीजिए 752 का, जैसे हम लाभ घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखो 52 में से 52 दो जीरो और 13 में 7 गए 6 1 1600 आ गया हमारा क्रय मूल्य, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए जब उसने खरीदा था 1600 में और बेचा 2352 में तो उसको 752 का लाभ मिला, तो लाभ परसेंट निकालना मुझे, ये हो गया 752 का लाभ, तो 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए इसे, 16 × 16 100 बार काटा और 16 × 64 16 × 7 = 112। देखिए मुझे मालूम हो गया है 100 के अकॉर्डिंग 47 जो है 47% का लाभ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी, सिंपल सा तरीका आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, एक रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, देखिए 236 में बेचा और लाभ कमाया उसने कितने का, 46 का, तो लाभ परसेंट बताना मुझे। अब देखिए ये कटिंग नहीं होता, जब कटिंग नहीं होता तो इस पर लाभ परसेंट ऐसे कमाएंगे, चालीस का लाभ है ना, जब उसने 236 रुपये में बेचा 40 का लाभ है, तो इसमें से 40 लाभ के घटा लीजिए, 0 13 में से 4 गए 9 1 190 में खरीदा उसने। अब देखिए क्रय मूल्य होगा 190 और लाभ हो गया उसे 40 का, क्रय मूल्य पर लाभ आ गया हमारा, क्रय मूल्य 190 लाभ आ गया 40, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब देखिए एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 460/13,
अब देखिए मारनी चलाएंगे, 460/19 है ये, यहाँ पर 19 से भाग देंगे इसको, 19 × 2 = 38, देखिए 46 में से 38 घटाएंगे, 16 में से 8 गए, 8 बचा, हो गए 80, यहाँ 19 × 76 24 पॉइंट कुछ आएगा, देखिए 24 पॉइंट कुछ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उसका लाभ परसेंट होगा 24.21%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिए 15,000 रुपये का सामान बेचने पर राजू को, रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है। अब देखिए 15,000 में से 3,000 घटा दिया जाए तो 12,000 हो गया क्रय मूल्य। अब इस पर हमें लाभ परसेंट निकालना है, 12,000 पर 3,000 रुपये का लाभ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 × 3 = 12, 1/4 आ गया, 1/4 होता है 25%, तो 25% का लाभ होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर हानि होती है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, देखो अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर, अंकित मूल्य के, देखो अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर हानि होती है। अब देखो आप, बटे का मान अपना होता है, बराबर का मान अपना होता है, तो अंकित मूल्य था हमारा 25, अंकित मूल्य MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य, और बेच रहा है वह 16 में, तो पूछा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य 25 हो गया, विक्रय मूल्य 16 हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ईजी, सरल और आसान आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर आता है, देखो यहाँ पर भी हमने बराबर बराबर इक्वल टू इक्वल ही लग रहा है ये कंडीशन में, और उसके अकॉर्डिंग हमने रेशो में इसका मान बताया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 8, ये तो लाभ बताओ। देखिए 8 में बेचा, 5 की खरीद कर, तो 5 की खरीद कर उसने 8 में बेचा, 3 का लाभ, तो 3/5 होता है 60%, तो 60% का उसको लाभ होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर, देखिए ये हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है ये विक्रय मूल्य को, जब उसने कोई वस्तु बेची तो उसे 1 की हानि हुई, विक्रय 5 हानि 1, तो क्रय मूल्य होगा, विक्रय में हानि जोड़ देते हैं क्रय मूल्य हो जाता है 6, तो हानि परसेंट बताए, तो क्रय मूल्य 6 पर 1 की हानि, तो 1/6 हो गया 16.67% की हानि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, हानि परसेंट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 SSC GD में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये विक्रय हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, हानि प्रतिशत बतानी। देखिए 11 में खरीदी और 7 में बेची, 4 की हानि होगी क्रय मूल्य 11 पर, 4 की हानि, क्लियर। अब इसको हानि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 11 × 3 = 33, 7 हो गए 70, 11 × 6 = 66,
अब देखिए 36 से कौन सा शुरू हो रहा है, 36 से ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 36.36 तो ये आ गया 36.36% का उसको हानि हुई। बिल्कुल सिंपल और आसान है आपके लिए, कोई टफ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 25 है। अगर हम वस्तु को खरीद रहे हैं 20 में और बेच रहे हैं 25 में, तो लाभ हो रहा है 5 का, क्रय मूल्य 20 पर 5 का लाभ, तो यहाँ से लाभ परसेंट आ जाएगा, 5 × 5 = 20, 1/4 होता है 25%, तो 25% का उसको लाभ होगा। लीजिए आगे आंसर, 25% का लाभ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक किताब का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय हो गया 3, क्रय हो गया 4, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, खरीदी 4 में बेच रहा 3 में हानि होगी, 4/1 के हानि, तो हानि परसेंट हमें निकालना है, 1/4 25% की हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 25% हानि, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, देखिए अंकित मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य 10, विक्रय मूल्य 3, बेचने पर 16% हानि होती है। अब देखिए अगर वह 3 में बेच रहा तो 16 की हानि होती है, तो 84% में बेचेगा, क्लियर। अब देखिए परसेंट की मैंने 2 0 इधर लगाया, अब 6 × 6 = 30 और 6 × 6 = 24 ये और भी कटेगा, ये 2 से 25 × 2 = 14, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 25/7, क्लियर है। अब उसने कहा घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो ये जो आया हमारा ये क्रय मूल्य आया, तो घड़ी का अंकित मूल्य हमारा 10 है और क्रय मूल्य ये आ गया, तो इनका अनुपात बताना, 10 / 25/100, ये अंकित मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य होगा, 10 × 7 = 10 × 10 = 70 / 25, 5 से काटा 25 को 5 बार और 5 से ये काटा 14 बार, तो रेशो आ गया 14:5, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, 14:5, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 14:5, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचता है तो मोबाइल के क्रय और विक्रय मूल्य, देखिए 25 की हानि पर है तो विक्रय मूल्य हो गया 75 और क्रय मूल्य हो गया 100, 25 की हानि है तो 75 में बेचेगा, 100 की चीज़ 75 में बेचेगा, तो ये 25 × 100 = 75, तो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशो पूछा है, क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य हो गया 3, 4:3 यानी कि 4:3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4:3। आता है क्वेश्चन नंबर 18, एक मेज का विक्रय मूल्य है 6875, लाभ परसेंट 25, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, विक्रय मूल्य और विक्रय परसेंट, ये हो गया 6875 और इधर लाभ 25 का हो रहा है, तो 125 यानी कि 5/4 लिखेंगे और विक्रय से विक्रय काटेंगे इसे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा, देखो 5 × 5 एक हो गया 18, 5 × 3 = 15, 3 हो गए 37, 5 = 37, 5 × 5 = 25,
अब चार की गुणा करेंगे, ऐसे चार पंजे बीस, चार ढाई दो तीस, तीन तेरह चौक बावन और तीन पचपन। लीजिए आगे क्वेश्चन का आंसर 5500। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यानी कि वस्तु खरीदी गई 360 रुपए में, 360 रुपए में वस्तु को खरीदा गया और लाभ 8% का हुआ, कब? जब उसको बेचा। तो लाभ रुपए में बताओ, तो देखिए लाभ रुपए में बताओ, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो देखिए केवल लाभ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है लाभ रुपए में बताओ। 8% का लाभ निकाल लीजिए 360 पर, 360 का 8% लाभ आ जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो, 36 अट्ठे 288, 10 से भाग करेंगे एक अंक छोड़कर दशमलव, ये तो लाभ हुआ 28 रुपये 80 पैसे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी बड़ा आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, खरीदी वो 220 रुपये में और लाभ 20% का हुआ जब उसको बेचा गया, यानी कि 120% में बेचा गया उसको, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ये मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से, परसेंट से मैंने दो जीरो काटा, 12 22 की गुणा करेंगे, 12 2 24, 2 12 2 24, 2 26, ये हो गया 264। तो 264 जो रुपये आया ये वस्तु का विक्रय मूल्य आया, ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखेंगे नया क्वेश्चन, देखो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी बनते हैं, ये हम आपके लिए बना रहे हैं, बाकी ये हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पर मल्टीपल वाला चल रहा है, यहाँ पर भी मल्टीपल वाला चल रहा है, ये सब इसी से ही चलते हैं, जैसे कि मैंने बार बार बताया है, यही है बस, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य है 7686, यानी कि वस्तु जब बेची गई 7686 में बेची गई, तो उसको 22 का लाभ हुआ, यानी कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 122% में बेची गई, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, विक्रय रुपए में आ गया और विक्रय परसेंट में, विक्रय बराबर विक्रय, जैसे विक्रय से विक्रय को काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे इससे हम, इससे हम इसको 122 से 63 बार काटेंगे, पूरा 63 बार कटता है ये, छंतर छासी है ये, यहाँ पर छंतर छासी परसेंट, ये हमने दो जीरो लगाया। अब देखो इसको कटिंग करके भी दिखाते हैं हम आपको, देखो कटिंग करके भी दिखाते हैं, 7686 रुपये में बेचा, 22% का लाभ, 122 सौ में जोड़ कर लिखेंगे परसेंट की दो जीरो, दो से काटेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 1 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 0। क्लियर? अब देखिए 61 6 6 36, 6 1 6, देखिए 384 में से घटाएंगे, 6 1 6 6 6 36, 14 6 8 और 7 6 1 और उतारेंगे 3, देखिए 61 3 होता है 183, ये कट गया इससे, ये और 2 0 बच गई, ये यहाँ लगा दी। लीजिए आ गया, देखिए कटिंग के बाद भी यही आ गया हमारा 6300 रुपया। देखिए बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22,
देखो एक साइकिल $120 में खरीदी गई $120 में, क्लियर। 15% के लाभ पर उसे बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। चलिए विक्रय मूल्य बताना है, 100 में जोड़कर लाभ को लिखेंगे, क्रय पर लाभ, देखिए क्रय पर लाभ परसेंट तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है 115%, 20 छिके 120, 5 100, 5 2 10, 5 3 15, 23 छिके 138 होता है $138। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और सरल। क्वेश्चन नंबर 23, एक बैट को ₹750 में खरीदा गया। देखिए क्रय मूल्य आ गया 750 में खरीदा गया तो इसी पर लाभ आने लगेगा, 8% के आने पर बेचा गया तो 92% में बेचा इसको, 25 3 75, 25 4 100, 4 से काटा 23 बार, और 23 3 69 और 10 ये लगेगी, ये तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 690। वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 690 था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, 2832 में विक्रय कर रहा है, टेबल बेच रहा है, लाभ 18% का हो रहा है, 118% के बराबर लिखेंगे इसे, तो विक्रय से जब विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाता है, परसेंट की मैंने 20 इधर लगाया, 118 से 2832 कटेगा 24 बार, परसेंट की 20 ये लगेगी बाद में, तो ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य होगा ₹2400। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। अहमद ₹5200 में पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर ₹800 खर्च करता है, 5200 और 800 जोड़ेंगे ₹6000, तो उसकी लागत हो गई ₹6000 की। अब वह उसे ₹6600 में बेच देता है, ₹6600 में बेचता है, उसका लाभ बताए। देखो 0 से 0 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, 6 से इसको काटेंगे 100 बार, देखिए हो गया 100 के अकॉर्डिंग, 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 कम 6, और ये 0, देखिए 100 की चीज़ 110 में बेच रहा तो 10% का लाभ होगा, 100 की चीज़ 110 में बेच रहा 10% का लाभ, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, ये रहा, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। ए ने इकाई दाई सैकड़ा हजार दजा लाख 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा। देखिए 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा, क्लियर, और 6% मेकिंग चार्ज, 100 में जोड़ के लिखेंगे 106/100, फिर उस पर 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 106/100 पर प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य किया प्रति 10 ग्राम का, तो कितने रुपए में बेचेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, और 5 2 10, 5 3 15, 3 2 6, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 106 का वर्ग करना सिखाएंगे आपको, 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना सीखे, 100 से ज़्यादा 6 हैं, ये 106 है ना, 100 से 6 ज़्यादा, 6 का वर्ग 36, 106 में 6 जोड़ो 112, ये होगा 11236 हो गया, तो गुणा करी मैंने 2 गुणा इन दोनों की 11236। अब 2 की गुणा यहाँ पर एक हो रहा जाएगी, 2 की गुणा ये वाला 2 से गुणा और हो जाएगी, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4, 4 की गुणा हो जाएगी। अब इसको करेंगे 4 6 24, 4 3 12 2 14, 8 1 4 2 8 1 9, 11 6 44, 44944, यह आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है, उसके परिवहन पर $240 खर्च होता है। देखिए खरीदी उसने 14,360 में, 240 का खर्चा आया, 0, 4, 6, 10 हासिल 1, 3, 6, 14,600 में पड़ेगी वह। अब उस वह उसे 15 के लाभ पर बेचेगा, तो इसे 15 के लाभ पर 115/100, तो विक्रय मूल्य बताना है। 5 × 10, 5 से इसको 23 बार काटा, 0 से 0, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से 14, 2 × 3 = 6, 0 × 23। देखिए 23 की गुणा करेंगे इसमें, 0, 3 × 3 = 9, तो लास्ट में 9 0 देख लो कहाँ है, 9 0 ये रहा, 16,790 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, मोहन 4,000 रुपये में पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, तो 4,500 में उसकी लागत सहित 4,500 रुपये हो गए और उसने उसे 5,000 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। सीधा सा पॉइंट 2 0 से 2 0, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 50, 9/1 का लाभ। अब हमें लाभ परसेंट बताना, तो 9/1 का लाभ यानी कि 1/9 होता है 11.11% का लाभ। फ्रैक्शन में 1/9 को बोलते हैं 11.11% का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन ए, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 29, रोहित 2,320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है, तो 2,320 में 180 जोड़ेंगे तो लागत हो गई उसकी 2,500 रुपये और उसने उसे 2,400 रुपये में बेचा, तो उसका हानि परसेंट बताए। 2 0 से 2 0, 25/ उसे 1 की हानि हुई, तो 1/25 होता है 4% हानि, तो उसे 4% हानि होगी। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन आता है 30, एक व्यक्ति को 2,860 रुपये में पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है, 2,860 में बेचने पर 35 यानी कि 65% में बेचेगा, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब वह उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, 100 में जोड़ेंगे 120, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, ये बन गया इक्वल टू इक्वल। परसेंट से मैंने परसेंट, 13 × 65, 13 × 26 2, 13 × 26 0, 5 × 20, 5 × 20 44 बार, तो 44 × 120 की गुणा करेंगे, 0 × 12 = 48, 12 × 48 = 52, 5280, ऑप्शन डी इज राइट, 5280 आंसर।